ये क्या क्या खेल रहे हो? पेट बता दे रहा। और ये बेड गंदा हुआ थोड़ा भी तो मैं बता दूंगी। जल्दी ये कार्टून वार्टून हटाओ। अब थकान हट गई हो तो मुझे वो दिखा दो। अब आओ जल्दी आओ काम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी। कैसे हैं आप ज़रूर बताना और बारिश कैसी क्या हो रही है ये भी ज़रूर बताना। हमारे यहाँ कल हुई थी, अभी तो रोज़मर्रा की हो गई है। खैर अब देखो कैसी होती है। टैंकर आ गया था, थोड़ी देर लेटी थी मैं, फिर टैंकर आ गया तो फिर पिछली बार मैंने पानी नहीं भरा, इस बार मैंने सारा पानी भर लिया। बाथरूम में सेट करना होता है, छोटा सा बाथरूम है तो उसको मैंने अच्छे से सेट किया, फिर पानी से वाइपर मारा, एकदम से बाथरूम को सूखा किया, क्योंकि साइड से लगाना ज़रूरी रहता है। साइड से नहीं लगाएंगे तो बाथरूम में आने जाने की बिल्कुल भी जगह नहीं रहेगी। तो मैंने सारे पानी को साइड से कर दिया, बाथरूम में वाइपर मार दिया और इनके लिए एक बाल्टी खाली छोड़ दी, क्योंकि ये ना टंकी मतलब मोटर के पानी से नहाते हैं जो ज़मीन में से आता है समर से, उससे वो पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा निकलता है जो कि इन्हें अच्छा लगता है, तो उसी से नहाते। मैं भी नहाती हूँ पर ना सर वगैरह इस खारे पानी से बाल बहुत ज़्यादा झड़ते, ये रीज़न मैंने कई बार बताया। बाती धूप बत्ती ख़त्म हो गई थी तो मैं लेके आई, मैंने इनको लंबा लंबा करके रख दिया, क्योंकि ना मतलब बच्चे ना मोटा मोटा करके ऐसे ही लगा देते फिर वो थोड़ी सी जलती और बुझ जाती है, तो मैंने इसको सही किया। शाम को हाथ पैर धोने के बाद पानी भरा। हरी मिर्ची मत लाना और केले मत लाना। ये अपना सब्जी लेने के लिए चले गए, उधर से सब्जी लेके आए, फिर सोचा क्या बनाऊँ, तो मैंने बोला तोरी बना लेती हूँ, तोरी ख़राब नहीं होंगी, तो मैंने फटाफट कढ़ाई में प्याज और मिर्ची को डाला, लहसुन था नहीं तो इस वजह से सूखी सूखी फटाफट से मैंने बना ली। ऑयल की पैकेट आप देख सकते हो दो दिन से रखी है, मैं आज इसको फाइनली डब्बे में कर ही दूँगी। प्याज अच्छे से भुंजता रहा तब तक ना मैंने और तैयारी कर ली थी खाने की, और पता इन जब मैंने तोरी बना ली तब ये बोलते हैं कि कुछ और नहीं बना सकती थी तोरी, मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैंने बोला आपको पहले बताना चाहिए था कि आपका तोरी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, पर मैंने तो तोरी बनाई है क्योंकि तोरी ख़राब ना हो, तो ये बोल रहे थे। जब मेरा मुझे क्या पता था आज ही तोरी लेके आऊँगा, आज ही बना दूँगा, मैंने मुझे भी क्या पता था आपको आज खानी नहीं है, मैंने तो इसीलिए बना ली थी क्योंकि ख़राब ना हो तोरी, तो इस वजह से मैंने तोरी बना ली थी, पर ये खाए नहीं, फिर मुझे दो दो चीज़ें बनानी पड़ी। तो हो जाता है कभी कभी, प्याज भुंज रहा है, मैंने जब तक अपनी सारी तैयारी कर ली, शाम का आटा वगैरह बांट लिया, वंशु ने दिया वाती वगैरह कर ली, और जब तक मेरा प्याज भुंजता रहा। प्याज पे क्या हुआ, कैमरा ऑन रह गया था, और तब तक देखो कितना सारा काम मैंने समेट लिया था, बहुत सारी चीज़ें मैंने समेट ली थी। और लोहे की कढ़ाई आप लोगों को बता दूँ, ये पुरानी नहीं है, नहीं आप लोग इसको भी बोलो अरे गंदी है गंदी है गंदी है गंदी, बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए बातों बातों में हमारी तोरे की सब्जी बन गई है, और तोरे की सब्जी को मैंने कढ़ाई में निकाल के रख लिया है। और पहले मैं कुछ नहीं खाती थी कि ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी शादी से पहले, अब तो मुझे जो दे दो वही खा लेती हूँ। कढ़ाई को पहुँच के मैंने धोने में रख दिया, और देखिए तोरे की सब्जी कितनी अच्छी बनी है। तो ऊपर जा रहे हैं, रोटी सब्जी हो गई है, तोरे की सब्जी बनाई, ऊपर कूलर भरने के लिए, पर मौसम बादल हो गए हैं, बारिश जैसा मौसम, क्या देखूँ, कोई नहीं चालू, वो पकड़ के बढ़ना पड़ेगा ऐसे करके। हाँ मोटर नहीं चला के आई? नहीं। और देखो दो दो बार नहाने का, कपड़े भी पड़े हैं मेरे। अरे यार मम्मी देखो तो ये कितना है, इतना पूरा कट गया, अब वो खींच खींच के टूट नहीं जाएगा तो फिर भरेंगे ये, इसमें इतना ऐसे करके लगा देना मोटर चालू, बाल्टी से नहीं भरेगा वो टूट जाएगी, लग वो चला मैं पकड़ के रखूँगी। कपड़े भी उठा लेंगे, कपड़े नहीं उठाएंगे तो ये देखो और बादल देखो। एक उतरैया नाने करी है आंटी, एक उतरैया नाने करी है, बादल है, छतु गीली है, ये देखो। सोना मोटर चला दियो, सोना मोटर चला दो, सोना मोटर चला दो, अभी चलो मोटर। हाँ चालू कर दो, चलो
सुबह मिलेंगे, बिस्तर वगैरह कर ले, खाना बच्चों सब ने खा लिया, हम लोगों ने अभी तक नहीं खाया है, देखते हैं। आ जाऊँ मैं? चलो बाय। देखो आज को मैंने बैक कैमरे से वीडियो बनाया था, आजकल जो लोग यूट्यूबर बना रहे हैं वैसे बनाया था। अच्छा लगता है, जितना सीखने को मिले सीख लेना चाहिए, नई नई चीज़ें समय के साथ सीखनी चाहिए। तो बस धूप निकल आई है, अच्छी खासी चाय पी के फिर काम पे लगती हूँ, बच्चों को छोड़ के आ गई हूँ। ऑयल तो चेहरे पे इतना लगता है जैसे कितना ऑयल वो कर लिया है। चाय पी के एनर्जी लेके फिर रोटियाँ बना के रख देती हूँ, क्योंकि स्कूल से आने के बाद थकान हो जाती है तो नहीं हो पाता। फिर सब्जी वगैरह बना लिए, आटा गूंदना है, ये देखो कुछ ऐसी हालत होती है। चलो चाय छान के लाते हैं। आप यहाँ बैठो, मैं थोड़ी चाय छानू। अदरक ना अभी ऐसी आ रही है, सब्जियां धोनी है मुझे, कच्ची अदरक आ रही है कच्ची, इसको थोड़ा सा सूखने रख देती हूँ। गीली गीली से मैं महक आ जाती है इसमें, मुझको सांस मिली है तेरे लिए, खुश रहना चाहिए। मुझको धड़कन मिली, मुझे पता है मैं गलत गा रही हूँ, पर गा लेना चाहिए। चम्मच के बिना चाय ज़्यादा मीठी हो जाती रात को, शाम को मतलब 5-6 बजे कल ज़्यादा चाय पीछे हुई इन्होंने पी, गुस्से की वजह से अभी भी नहीं पी के गए, और हो जाती है पर क्या बताएं। ठीक है, ये धूप में रख के आऊँगी, अभी नहीं चाय पी लूँ उसके बाद। मुझको सांस मिली है सावन हो गए ख़त्म, चाय हो गई गरम, चाय छान के पीने जाती हूँ, सावन हो गए ख़त्म। पर अब भी इस महीने भी काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी। चलो बहुत सारी बातें हो गई, बाद में मिलेंगे चाय पीने के बाद। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से गुड मॉर्निंग वगैरह बोलना भूल गई थी, स्टार्ट कर लिया था ब्लॉग सुबह, फिर मैंने स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि सुबह बहुत जल्दी काम होता है। आज मैं आज क्या रोज़ ही उठती हूँ, आज मैं मतलब आज थोड़ा सा लेट हो गई, 5 बजे उठी, तो आज अंधेरा अंधेरा था, तो मैंने बोला अरे आज तो जल्दी उठ गई, पर नहीं 5:10 हो गए थे। तो फटाफट उठी, बच्चों को मैंने नहलाने धुलाने भेजा, इनके लिए चाय बनाने के लिए रख दी, हालांकि इन्होंने पी नहीं पर मैंने अपना बनाई। फिर बच्चों को फटाफट से मैंने तैयार किया, उनके पसंदीदा पराँठे बनाए, मतलब आधा किलो दूध था उसको नींबू डाल के फाड़ लिया था, पनीर के पराँठे बना दिए थे। ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई क्योंकि लेट थोड़ा सा हो गई थी, और फिर ब्लॉक करती तो और ज़्यादा हो जाती। तो देखिए मैंने सब्जी की सारी तैयारी की, टमाटर प्याज आलू सब कुछ काट के आराम से तसल्ली से सब्जी काट के, फिर मैंने क्योंकि इनको तोरई की सब्जी पसंद नहीं आई थी तो फिर तोरई की थोड़ी सी सब्जी भी रखी है, तो मैंने बोला इनके पसंद के टमाटर आलू बना लेती हूँ, रसीले ये तो सभी को पसंद आते हैं। और ये लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट रह गया था एक पाउच, मैंने बोला इसको भी यूज कर लेती हूँ। तो बस मैंने टमाटर आलू की सब्जी को फटाफट से काट के इसको छोंक दूँगी और ये बनते रहेंगे। तब तक पता है मैं ये बनते रहते मेरा वीडियो चलता रहता है, जैसे वीडियो नहीं बनाना हो तो मैं ट्राईपॉड में मोबाइल को सेट करके अपने मोबाइल में सीरियल देखती रहती हूँ, और ना कभी कभी गाने सुनती रहती हूँ, क्योंकि सुकून में काम करना गाना सुनना मन को संतुष्टि देता है। तो बस ये सारे काम करने में अपने लगी रहती हूँ घर में, बस सबके जाने के बाद कब टाइम हो जाता पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में छौंक दिए और सारा प्याज लहसुन नहीं था, थोड़ा लहसुन और होता टमाटर आलू में तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते। और रात को बादल था तब भी हम लोग ऊपर ही लेटे थे, क्योंकि ऊपर लेटते हैं ना थोड़ी सी ठंडक मिल जाती है। ट्राईपॉड को यू सेट किए, ट्राईपॉड इस बार मैंने जितने लिए अच्छे नहीं निकले, मुझे लग रहा है महंगा सा लेना चाहिए, पर मैं सोचती हूँ छोटा सा चल रहा है तो फिर क्या ही मतलब है। तो देखिए मसाला अच्छे से पक गया था, उसमें मैंने आलू डाल दी, आलू को मसाले में अच्छे से भूनने दूंगी, जब अच्छे से भून जाएंगे तब इसमें पानी डालूंगी। तब तक मैंने सारे बर्तन वगैरह जितने भी सुबह के थे, सुबह बहुत बर्तन होते, दूध गर्म करना, बच्चों चाय देना, दो दो बार चाय गर्म करो, दूध गर्म करो, दो, फिर उसकी थाली, उसकी थाली, बाप रे, पहले बर्तन धोए
और मैंने सुबह सुबह घी निकाला था थोड़ा सा, मतलब घी के पराठे कर दिए थे क्योंकि अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से। यहाँ पे अदरक लेके आए थे, अदरक और मिर्ची मैंने धूप में रख दी थी क्योंकि ना मतलब धूप में रखने से मिर्ची लाल हो जाएंगी, इतनी सारी यूज़ में आएंगी नहीं। कल ये और भी सब्ज़ी लेके आ गए थे तो इस वजह से, और सही बताऊँ ना सब्जियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, बहुत कम सब्जी मंगाई मैंने जो ज़रूरत की थी वो। और मुझे पता है मुझे बजट पे वीडियो बनानी है, पर क्या बताऊँ, रोज़ सोचती हूँ आज बनाऊँगी कल बनाऊँगी पर रह जाती है। यहाँ पे ये सूट थोड़ा सा मेरा मतलब सिलाई मुझे थोड़ी सी फ़िटिंग चाहिए थी बाजू पे, वो मैंने फ़िटिंग की। थोड़ा थोड़ा हर चीज़ में मतलब मैं टाइम दे लेती हूँ कि कोई चीज़ रह ना जाए, मैं ऐसे सोचती हूँ। मुझे हर काम आना, हमें क्या मुझे क्या हम सबको हर एक काम आना चाहिए जिससे हम कोई भी काम के लिए हमेशा तैयार रहें। कोशिश करते हैं आए या ना आए, खैर हम जी जान से लगे तो ऐसा कोई काम नहीं है जो हमें आए ना। आने के बाद देखिए सब्जी उधर बन रही है, तब तक मैंने सारे बर्तन वगैरह धो लिए। मैंने जैसे कि बताया टाइल पे कपड़ा मार दिया, बर्तन सारे धो के मैंने कढ़ाई को पोंछा, कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लगाया जिससे काई ना लगे, क्योंकि काई लगी कभी कभी ऑयल नहीं लगाती भूल जाती। आप लोग बोलते प्रीति कढ़ाई बहुत गंदी है, हालाँकि गंदी होती नहीं, आप लोग पता है लोहे की कढ़ाई है। तो इस वजह से सब्जी में गर्म मसाला डाला, सब्जी को कर दूँगी साइड से और ये ऑयल मैंने इसमें डाल दिया। आटा गूंद के फटाफट से सब्जी को साइड से करके ये देखिए इतना सा घी निकला था, दो दो टाइम की मलाई थी, कितना ही निकलेगा। फ्रिज में थोड़ा सा कपड़ा मारा साइड से, और ऊपर छत पे कपड़े सूखे नहीं थे तो मैंने यहीं पे सुखा लिया। हॉल में पंखा चला दिया था और मैंने आटा वगैरह गूंद के रख लिया है, बस रोटियाँ बनानी है। ज़्यादा आटा नहीं गूंदा है, थोड़ा सा गूंद लिया, थोड़ा सुबह गूंदा था। ये देखिए फटाफट से मैंने रोटी बनाई। और आप लोगों को बता दूँ 5 बजे जल्दी उठते हैं तो आपका सारा काम हो जाता है, मतलब सारा काम जल्दी निबट जाता है, नहीं तो मेरी बहुत वो हो जाती है, स्कूल फिर अपना वीडियो एडिट में और फिर बच्चों के साथ फिर ट्यूशन जाना। 1-1.5 बजे आते, 2 बजे ट्यूशन चल जाते, बहुत भागम भाग हो जाती है। तब भी थोड़ा सा टाइम निकालो ना तो अच्छा लगता है, खुद के लिए टाइम टेबल कर लो रोटी पानी का तो सही रहता है। अभी रोटी बना के रख दी, स्कूल से आने के बाद इतनी थकान हो जाती बिल्कुल भी रोटी बनाने का मन नहीं करता, तो मैंने बोला रोटी बना के रख देती हूँ। ये आते फिर बोलते कुछ है खाने को, तो मैं बोलती हूँ मैं अभी सेक के ला रही, तो बोलते अब सेकेगी तो तू रहने दे। तो फिर इस वजह से मैं गर्मा गर्म रोटी सेक के कपड़े में पैक करके रख दूँगी। रोटियाँ मैंने पतली पतली देखी रोटियाँ बना दी, और मैं ना रोटी थोड़ी बड़ी बड़ी और लमछरी रोटी बनाती हूँ, मोटी मोटी रोटी नहीं बनाती। जैसी रोटी आप लोगों के सामने है, सारा रोटियाँ करके सारे कपड़े से साफ़ करके यहाँ पे स्लैब वगैरह को साफ़ कर दूँगी, चकला बेलन को सबको अच्छे से धो धोवा के सारी गैस वगैरह को साफ़ कर दूँगी। काम मैंने सारा कर लिया था तब मैंने रोटी करने बैठी थी काम करके, और आटा को सेट हो जाता है ना रोटी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। बालों में हमने तेल डाल लिया है और इतने सारे बाल निकले क्या ही बताए, और वो भी काले काले, सफ़ेद सफ़ेद बाल एक भी नहीं निकला, सारे काले बाल झड़े। बेड सारे सेट कर लिए, और पता है मैंने ये बेड शीट ली थी, आप लोग एक कमेंट भी आए थे कि प्रीति हमने 100 रुपये के लिए, किसी ने बोला मैंने इतने के लिए, और ना आपकी बात सही थी। ये देखो दिख रही है, एक बार अभी इसको दूसरी बार एक बार भी धोया ही नहीं है मैंने। ये देखो गली निकल आई है। मैंने सोचा ले लें, कभी कभी गलत होते हैं, कब मैं वो मतलब गली में बोल रहे थे कि सुबह से हमारा बोनी नहीं हुई है, ये नहीं हुआ, इसे 900 रुपये की बता रहे, इसे मैंने 300 रुपये में लिया, किसी ने नहीं लिया कि बोनी नहीं हुई है, ये नहीं हुआ है, किसी पे मतलब थोड़ी सी दया और वो कर लो तो कैसे लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। एक बार नहीं धोया है और फट चुकी है, गली हुई बेड शीट है। और एक चीज़ की और मैं बोलना नहीं चाहती थी, कमेंट आए थे, मैं हर वीडियो में कहती हूँ कब कुछ आपको मुझसे सीखने को मिलता और आप मुझे आप लोगों से। कई लोगों ने बोला जब मैंने बेड वाली बात कही कि बेड को हटा देंगे या बेच देंगे उसमें, तो आप लोगों के बहुत भर भर के कमेंट आए थे। वो जब मुझे वो बात रखने का टाइम नहीं मिला, त्यौहार आ गए थे तो इस वजह से, और फिर मुझे उचित भी नहीं लगा कि उस बात को बोलूं, पर ये बेड शीट वाली बात पे मैं कह रही हूँ। तो उस पर भर भर के कमेंट आए कि जब हमने बोला था कि एक बेड को हटा दो तब तुम्हें मिर्ची लग गई थी, तुमने बोला तुमने इतना सुनाया था ये है वो, तो मैंने उस वीडियो में कुछ भी नहीं सुनाया, वो वीडियो आप लोग दोबारा देखिए जाके। बस मैंने एक राय रखी थी कि जब ऊपर बन जाएगा तब हम इसे ऊपर शिफ्ट कर दें, मैंने कुछ भी नहीं ऐसा बोला था।
मैंने किसी को कुछ भी नहीं बोला था, कभी भी कुछ भी हो मैं कभी ऐसे उल्टे सीधे नहीं बोलती हूँ। आप लोग वीडियो देख लीजिए जाके, क्योंकि हम ये तो है नहीं वो वीडियो डिलीट हो गई या कुछ भी हो गया। बस मैंने ये बोला था कि ये हमने बहुत उससे लिया था, पहली बार की चीज़ ली हुई तो ऐसे नहीं हटाई जाती, फिर दिक्कत। आप लोग बोल रहे थे, पहले बोल रही थी एक खाट की जगह, जगह तो है एक काट खाट की अलमारी के उधर, पर मेन चीज़ क्या है, पूजा करने के लिए भी जगह तो है, पर अभी नवरात्रे वगैरह आएंगे उस चीज़ के लिए जगह नहीं है। और फिर चीज़ों का धीरे धीरे पता चलता है। वैसे खाना पीना बाहर बनता है, कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, पर तब भी थोड़ा सा लगा कि ऊपर कब बनेगा, कब पैसे इकट्ठे होंगे, जब हम ऊपर बनवा पाएंगे। तो मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा था, बस अपनी राय रखी थी। और उस जब मैंने बेड की राय रखी, तब भी मैंने अपनी राय रखी थी क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस एक राय लेते हैं कभी कभी, हम ज़रूरी नहीं कि हम सही हों, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता। तो बस राय रखी थी, आप लोगों को बहुत भर कमेंट आए, पर जैसे कि मैं बोलती कमेंट में कमेंट करना आप लोगों का हक है, वीडियो मुझे बात रखने का मुझे मेरा हक है। चलिए रोटी पानी सारी हो गई, बेड वगैरह सारा सेट हो गया, थोड़ा से कागज़ वगैरह इनको भी समेट देते हैं और अब बाद में मिलेंगे। बेड सीट ये छोटी थी, मैंने इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ के इसको सही कर दिया, कहीं भी बेड पे सिलवट नहीं दिखेगी आपको। दोनों बेड साफ़ सुथरे, सारा काम करके फ्री हो चुकी हूँ। बच्चों को लेके आके रोटी वोटी बनाना ना होता नहीं है। और मैंने बालों में तेल भी डाल लिया, जैसे पेट को ज़रूरत होती है ना वैसे बालों को भी ज़रूरत होती है, पर नहीं हो पाता। चलिए बाय।